योगी राज में सभी काम नियम और कानून के दायरे में रहकर होंगे, कुछ भी मर्यादा को लांघकर नहीं होगा, चाहे वो अपराध हो, अवैध इमारत हो, भ्रष्टाचार हो, इन सब पर योगी का पूरा कंट्रोल है। तभी तो योगी की वाहवाही हर जगह है, तभी तो योगी का डंका हर तरफ बजता है, तभी तो योगी की देश में क्या विदेश में भी खूब तारीफ होती है। और जहां तक बात रही योगी के बुलडोजर की, तो अब ये बुलडोजर सिर्फ योगी के प्रदेश तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब ये मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, असम और गोवा में भी पहुंच चुका है। योगी के बुलडोजर की गरज ऐसी है कि अच्छे अच्छे अपराधियों के हाथ पांव कांपने लगे हैं। उन्हें अपराध करने के, अब अपराध का नाम लेने में भी डर लगने लगा है। और जहां तक बात रही अवैध इमारतों की, तो जिस तरह से नोएडा में अवैध ट्विन टावर्स को गिराया गया है, वो पूरी दुनिया के लिए कौतूहल का विषय रहा। और असम में हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार ने जिन 3 अवैध मदरसों को गिराया है, उनकी भी तो चर्चा हर जगह है। ऐसे ही एक अवैध मदरसे को यूपी के अमेठी में गिराया गया है। हाईवे के किनारे बने अवैध मदरसे पर सोमवार को प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। ये मदरसा चारागाह की बेशकीमती जमीन पर बना था। सोमवार सुबह करीब 5 बजे एसडीएम, सीओ और 5 थानों के पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से अवैध मदरसे को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। दरअसल ये मामला गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के टांडा बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर टोला गांव का है, जहां गांव के ही हसन पुत्र सुल्तान द्वारा हाईवे के किनारे 160 स्क्वायर फीट में चारागाह की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर मदरसा बनाकर संचालित किया जा रहा था। लेखपाल की रिपोर्ट के बाद तहसील प्रशासन ने मदरसा मालिक को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन जब उन्होंने कब्जा नहीं हटाया तो सोमवार सुबह एसडीएम, सीओ और 5 थानों के पुलिस फोर्स की मौजूदगी में जेसीबी की मदद से इस मदरसे को जमींदोज किया गया। अमेठी प्रशासन की तरफ से न सिर्फ इस मदरसे को गिराया गया है, बल्कि मदरसा मालिक हसन पर 2,24,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये मदरसा साल 2009 से संचालित था, जिसका साल 2018 से गौरीगंज तहसीलदार कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। 2 दिन पहले इस मामले पर फैसला आया, जिसके बाद अमेठी प्रशासन ने कार्रवाई की। पिछले 2 साल से मदरसा संचालित नहीं था, लेकिन फिर भी मालिक कब्जा हटाने के लिए तैयार ही नहीं था। जब मालिक ने प्रशासन की नहीं सुनी तो फिर योगी के बुलडोजर के इस्तेमाल से इस अवैध इमारत को जमींदोज कर दिया गया। इस कार्रवाई को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली। संतोष चौहान नाम के पत्रकार ने लिखा, उत्तर प्रदेश के अमेठी में अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसे को तोड़ा गया, चारागाह की जमीन पर बनाया गया था, कोर्ट के आदेश के बाद चलाया गया बुलडोजर। अभिषेक द्विवेदी ने लिखा, बेशकीमती जमीन पर 30 साल से अवैध मदरसा संचालित था, आज इसका भी फैसला हो गया, कोर्ट के निर्णय के बाद बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, मदरसा जमींदोज। मामला यूपी अमेठी के गौरीगंज क्षेत्र के गुजर टोला का है। सीएम मिश्रा नाम के यूजर ने ट्वीट किया, सुल्तानपुर रायबरेली राजमार्ग के किनारे गुजर टोला गांव में बने अवैध मदरसे पर तहसीलदार कोर्ट के आदेश के बाद गर्जा बुलडोजर। 2 साल से बंद था मदरसा, मदरसे के बहाने बेशकीमती जमीन कब्जा करने की थी तैयारी, मदरसा साफ, 2,24,000 का जुर्माना। मतलब साफ है, योगी की इस कार्रवाई का सोशल मीडिया पर भी उन्हें समर्थन हासिल हुआ है। वैसे अमेठी में अवैध मदरसे पर की गई योगी की इस बुलडोजर कार्रवाई पर आपका क्या कुछ कहना है? योगी के इस बुलडोजर वाले एक्शन पर आपका क्या रिएक्शन है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।